कोंधियारा ब्लॉक के जनता द्वारा राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका, जताया रोष। जी हां, प्रयागराज कोंधियारा ब्लॉक में भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुए हिंसक झड़प में भारत के 20 जवानों की शहादत पर जनता द्वारा कड़ा विरोध जताते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंक कर चीन निर्मित सामानों का इस्तेमाल ना करने का संकल्प लिया। पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं अभिषेक मिश्रा की इस खास रिपोर्ट में। हम उनकी रक्षा करें और शहीद हुए जो हमारे जवान हैं उनके याद में हम लोग श्रद्धांजलि और शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रयागराज कोंधियारा ब्लॉक में आए हैं, जो अभी चीन का जो मैटर उठा था हमारे जवानों के ऊपर, तो चीन का जो बहिष्कार हो रहा है पूरी तरह से, यहाँ देख रहे हैं आग जल रहा है। हम आए हैं कोंधियारा ब्लॉक में कुछ जानकारी लेने के लिए, कि चीन का बहिष्कार, मतलब जो बहिष्कार कर रहे हैं और जो युवा सामान खरीद लिए हैं, जैसे मोबाइल वोबाइल हो चुका है, मतलब तो कोई बात नहीं। और आगे की जानकारी आप क्या बोलेंगे? एक जानकारी ये है कि जिस तरह से हमारे भारत के सैनिकों के साथ गद्दारी की गई, चाइना के सैनिकों ने किया, इस से वार किया, ये हम लोगों का बहुत बड़ा आघात है और हमारी सेना उसका जवाब देने में तो सक्षम है और जवाब दे भी दिया। लेकिन हम सभी भारतवासियों को, ग्रामवासियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि जिस हमारे पैसे के दम पर चाइना दम हाँक रहा है, जब हम इसके आर्थिक रीत को जब हमको कुचलेंगे तब हमारा भारत मजबूत होगा और जो है हमारे भारत देश के सामने गिड़गिड़ाएगा। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं कि अभी शहर में है, लेकिन गांव वासियों से भी मैं निवेदन करूंगा, एक गांव के बाजारों से निवेदन है सभी व्यापारियों को, वो जो भी चाइनीज सामान है वो सबका बहिष्कार करें और भारत में निर्मित सामानों का जो है उपयोग करें। इसी तरह से अपना भारत देश भी मजबूत होगा और चाइना का जो आर्थिक दिन हमारे बल पर खड़ा हुआ है उसकी हड्डी भी टूट कर जाएगी। इसलिए हम ऐसे संकल्प के साथ आज खड़े हुए हैं, इसलिए उसका पुतला फूंक। आप बताइए अंबिका जी, ये बताइए कि आप चाइना जो है विरोध कर रहे हैं, मतलब जो सामान लिया है नहीं लिए हैं उनके बारे में क्या, मतलब गांव, मतलब समस्त भारत के नागरिक बताना चाहते हैं? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार है, भारत के दम पर चाइना की आर्थिक जो है बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति है उसकी। अगर हम सभी लोग एकत्रित होकर के, एक मत होकर के चाइना का बहिष्कार करेंगे तो निस्संदेह चाइना बैकफुट पर चला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उसने विश्वासघात किया है हमारे साथ, वो जानता है कि हम इनसे प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लड़ सकते, उन्होंने परोक्ष तौर पर कायराना हरकत किया है और उसका जवाब हमारे सैनिक बखूबी दे चुके हैं। हम सभी लोग अब संकल्पित होकर के चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं, सभी सामान उनका जो भी उत्पादन है हमारे मार्केट में हम उनका बहिष्कार करेंगे सीधे तौर पर, यही हम लोगों का संकल्प है। हमारे देश के नागरिकों से यही कहना है कि 62 में एक बार चीन ने हमको धोखे से जरूर हराया, लेकिन वो हमारी सेना की हार नहीं थी, वो उस समय के तत्कालीन सरकार का या जो शीर्ष नेतृत्व, हमारा राजनीतिक नेतृत्व, उसकी दूरदर्शिता सही नहीं थी और उसकी वजह से हम 62 हारे। लेकिन यह 2020 है, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक हैं, उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित है और अब आज सेना और हमारा जो राजनीतिक कूटनीतिक जो फैसला है उस पर हम चाइना पर 20 पड़ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, लेकिन उसके साथ आज देश की जनता भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। नौजवान पूरी तरह से चाइना का बहिष्कार, बहुत जल्द आप देखेंगे कि चाइना हमारे बाजार से पूरी तरह से हट जाएगा, चाहे वो छोटी छोटी वस्तुएं हो, चाहे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, यहाँ पर दीपावली होती है, सभी जगहों पर चाइनीज जो है माल भरे रहते हैं, लेकिन हमारे साथ व्यापारी भी हैं, लोग भी हैं, बहुत जल्द हमारे लोग चाइनीज वस्तुओं को हटाकर मोबाइल में ऐसे ऐप्स को डिलीट कर चाइना को आर्थिक रूप से कमजोर करके उसकी साम्राज्यवादी जो हठधर्मिता है उसकी हेकड़ी निकालने का काम इस देश की जनता और सेना और सरकार तीनों मिलकर करेंगे। और हम पूरी हमारे देश की सरकार पर भरोसा है, सेना पर भरोसा है,
कि हम लोग जो है चाइना को सबक सिखाने में कामयाब हैं। भारत माता की जय। देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कुंभियार ब्लॉक में चाइना के खिलाफ पूरी तरह से तन्मयता के रूप घोष दर्शन कर रहे, घोष विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सामग्री है जो इन्होंने ले लिया है उनकी बात नहीं, जो जो मार्केट में अवेलेबल है या बाहर से जो घोष विरोध कर रहे हैं, इसके लिए सभी जनता से अनुरोध है कि इसका पूर्ण विरोध किए जाए। प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।